हेलो एवरीवन, आज हम लोग जियोटेक इंजीनियरिंग 1 में कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन देखने वाले हैं जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सॉइल क्या होती है, सॉइल के कितने टाइप होते हैं और सॉइल को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आप समझ के भी याद कर सकते हो। और ये जो फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट यूज़ होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। तो वाटर कंटेंट जो है इसका फॉर्मूला होता है W इज़ इक्वल्स टू डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू एस इंटू 100। वाटर कंटेंट को हम डायग्राम, जो फेज डायग्राम हमने पढ़ा था उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम डायग्राम बनाते हैं, फेज सिस्टम तो पता ही है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था टू फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम या तो ड्राई सॉइल होगी या फिर सैचुरेटेड सॉइल होगी, और थ्री फेज सिस्टम आपकी जिसमें सॉलिड भी होगा और वॉइड्स में एयर और वाटर पार्शली फिल रहेंगे। तो हम इसमें देखते हैं जब हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो ये ऊपर मान लो आपका वाटर है, ठीक है, सेकेंड में आपका एयर है और नीचे आपका सॉलिड है, ठीक है। तो हमको इसमें डिटरमाइन करना है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। हम एयर वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो हम वेट ऑफ सॉलिड कंसीडर करेंगे और वेट ऑफ वाटर, मतलब कि जो हमारा सॉइल मास है, जो हमारा सॉइल मास है उसमें जो वॉइड्स हैं, ठीक है, उसमें हम मानते हैं कि वाटर फिल्ड है, तो हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है। तो जितने भी वॉइड्स में वाटर फिल है उसका वेट अपॉन ये जो सॉलिड है उसका वेट, वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वाटर कंटेंट। अब सेकंड हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल। पहले तो हम ये समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। मतलब कि रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम या फिर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल में हम बल्क डेंसिटी देखेंगे, ड्राई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है और सैचुरेटेड डेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल्क डेंसिटी क्या होती है। तो बल्क डेंसिटी होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम। मतलब कि हमारा कोई सॉइल मास है, ठीक है, हमारा एक सॉइल मास है, तो हमको इसकी डेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल मास होगा वो अपॉन जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा। अब मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, ठीक है, या फिर ग्राम में, और वॉल्यूम को हम किस में डिनोट करते हैं, मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो बल्क डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब सेकेंड है ड्राई डेंसिटी क्या होती है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो अब जैसे मान लो ये सॉइल सैंपल है, ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी में मतलब जितना पोर्शन उसका ड्राई है उसका मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ड्राई डेंसिटी, यूनिट इसकी भी क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड,
मतलब जो सॉइल सैंपल है उसमें जो सॉलिड पोर्शन है उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब कि हमारा जो सॉइल सैंपल है उसमें जो सॉलिड पार्ट है, मतलब एम एस अपॉन वी एस, हम इसको डिनोट करेंगे रोडी से नहीं, रो एस से, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैचुरेटेड डेंसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम, मतलब कि हमारा ये सॉइल सैंपल है, ठीक है, इसमें कितना परसेंट, कितना अमाउंट जो है वो सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेटेड पोर्शन का मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक, इससे हमको सैचुरेटेड डेंसिटी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, हमको यूनिट वेट डिटरमाइन करना है सॉइल मास का, तो हम इसको चार पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, बल्क यूनिट वेट के टर्म में, ड्राई यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सैचुरेटेड यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट का यूनिट किलो न्यूटन, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इस गामा का यूनिट हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर इसको हम न्यूटन सीजीएस में न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में भी यूनिट लिख सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई यूनिट वेट, गामा ड्राई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी अपॉन वी, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के ही टर्म में इसको हम शो करेंगे। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जब बात आएगी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की तब हम लिखेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल, मतलब डब्ल्यू एस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। जब बात आएगी सैचुरेटेड की तब भी हम इसको टोटल वॉल्यूम के टर्म में ही शो करेंगे। गामा सैचुरेशन, डब्ल्यू सैचुरेशन अपॉन वी, इट इज़ द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। जी का फॉर्मूला होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, जी को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर एट द टेम्परेचर, ठीक है। जी इज इक्वल्स टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, यूनिट इट इज़ रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ गिवन सॉलिड डब्ल्यू एस अपॉन गिवन वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, बोथ वेट्स बींग टेकन इन एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। नेक्स्ट देखते हैं ई वॉइड रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी वी अपॉन वी एस। ई की वैल्यू हम हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू ना तो ज़ीरो हो सकती है ना ही ज़ीरो से कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये माने कि सॉइल में बिल्कुल भी वॉइड्स नहीं है तो ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि जो सॉइल है वो लूज सॉइल है, अगर ई की वैल्यू कम है तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो डेंस सॉइल है, कॉम्पैक्टेड सॉइल है, ठीक है। जैसे कि समझते हैं ये सॉइल मास है, इसमें कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जा रहा है तो उसे क्या होगा, उसमें जो भी वॉइड्स प्रेजेंट होंगे वो कम हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे लोड के कारण, ठीक है, इससे ई की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पोरोसिटी, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम टोटल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है, वी वी अपन कैपिटल वी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेचुरेशन मतलब वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, कितना परसेंट सेचुरेशन है, मतलब कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, वी वी अपॉन वी वी, इसका रेंज होता है 0 से लेके 100% तक। सेचुरेशन 0 भी हो सकता है, अगर सेचुरेशन 0 है मतलब हमारी सॉइल क्या है, ड्राई सॉइल है, ठीक है।
परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू दी टोटल वॉल्यूम, एन ए इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी, मतलब कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में कितना एयर प्रेजेंट है। एयर कंटेंट जिसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए अपॉन वी वी, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में प्रेजेंट है। इसका एक और फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल्स टू 100 माइनस सेचुरेशन परसेंट या फिर 1 माइनस एस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी प्लस एस इज इक्वल्स टू 1, एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन इज इक्वल्स टू 1। रिलेटिव डेंसिटी, इसे हम डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, आई डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है ई मैक्सिमम माइनस सी अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूज स्टेट, लूज स्टेट मतलब ई मैक्सिमम होगा, ठीक है, एंड इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो माइनस ई अपॉन टू डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो इन द लूज स्टेट मतलब ई मैक्सिमम माइनस डेंस स्टेट मतलब ई मिनिमम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वेयर ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो इन अ लूज स्टेट, ई इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट, ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो इन डेंस स्टेट। दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड फॉर कोहेजन लेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आई डी का यूज़ नहीं कर सकते हम कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेजन लेस सॉइल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेंड एग्रीगेट ग्रेवल्स, ठीक है, क्ले कोहेसिव सॉइल होती है। अब हम आगे के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।